नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है रोजगार समाचार में। मैं हूं मनोज कुमार। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पर आपको लेटेस्ट रोजगार समाचार हम डेली बेसिस पर उपलब्ध कराते हैं। उसी क्रम में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों, झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC ने सहायक वन संरक्षक AFC और वन परिक्षेत्र अधिकारी फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर FRO के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ऑनलाइन मोड में 2024 के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं। वीडियो के दौरान एलिजिबिलिटी, एज लिमिट, फीस, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको उपलब्ध कराएंगे, इसलिए वीडियो पर हमारे साथ अंत तक बने रहें। साथ ही वीडियो पर दी गई जानकारी आपके काम की लगती है, अच्छी लगती है, तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको रोजाना मिल पाएंगे। आओ शुरुआत करें नए कल की। चलिए दोस्तों, चलते हैं डिटेल जानकारी की तरफ। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको जानना है झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं। उसके बाद लेटेस्ट रिक्रूटमेंट ओपनिंग्स वाला पेज नीचे दिया गया है। यहाँ आप देखेंगे फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर और असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर 3 और 4 आपको दिखाई देंगे। डिटेल में इनको पढ़ सकते हैं, जिन्हें यहाँ पर हमने डाउनलोड किया हुआ है। झारखंड लोक सेवा आयोग विज्ञापन संख्या 4/2024 और ये है विज्ञापन संख्या 3/2024 सहायक वन संरक्षक, और दूसरा है झारखंड वन क्षेत्र पदाधिकारी नियुक्ति परीक्षा 2024। तो ऑनलाइन मोड में इन पदों के लिए महिला और पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। यहाँ सबसे पहले पदों की संख्या हम जाने लेते हैं। सहायक वन संरक्षक के पदों से रिलेटेड तो टोटल पदों की संख्या है 78, जिनमें से अनरिजर्व के 32, CWS के 7, SC के 8, ST के 20, BC1 के 6 और BC2 के हैं 5। इसी तरह आप देखेंगे झारखंड वन क्षेत्र पदाधिकारी नियुक्ति परीक्षा के लिए टोटल पदों की संख्या है 170, जिनमें से अनरिजर्व के 79, CWS के 16, SC का 1, ST के 43, BC1 के 15 और BC2 के हैं 12 पद। यहाँ इनका वेतनमान पेबैंड 2 में लेवल 6 के अंतर्गत ग्रेड पे 4200 में 9300 34800 के अंतर्गत भरा जाएगा। ये पद रेगुलर हैं, समूह 6 के पद हैं और ये गजेटेड पद हैं, राजपत्रित हैं, और यहाँ पर 2 वर्ष का प्रोबेशन पीरियड रखा गया है। इसी तरह जो ये पद हैं सहायक वन संरक्षक के पद पेबैंड 2 में ग्रेड पे 5400 के अंतर्गत लेवल 9 में इनको भरा जाएगा। स्थायी पद हैं, समूह 6 के राजपत्रित पद हैं और 2 वर्ष का यहाँ पर प्रोबेशन पीरियड होगा। शैक्षिक योग्यता की बात कर लेते हैं, इनके लिए जो शैक्षिक योग्यता है दोनों ही पदों के लिए आवेदक ने कृषि अभियांत्रिकी, पशुपालन, पशु चिकित्सा विज्ञान, वन वनस्पति शास्त्र, रसायन विज्ञान, वानिकी, भूगर्भ, गणित, भौतिकी, सांख्यिकी, जंतु विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान के साथ स्नातक हो, या फिर सिविल, मैकेनिकल, केमिकल इंजीनियरिंग में डिग्री होनी चाहिए। शारीरिक दक्षता परीक्षा जो है ये भी यहाँ पर दोनों ही पदों के लिए एक जैसी है। ऊंचाई पुरुषों के लिए 152.5 सेंटीमीटर, SC ST और महिला SC ST के लिए 145, जबकि सामान्य वर्ग की EWS अनरिजर्व OBC वर्ग के लिए पुरुषों की ऊंचाई 163 सेंटीमीटर, महिलाओं के 150 सेंटीमीटर। सीना बिना फुलाए सभी वर्गों के पुरुषों के लिए 79 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का फुलाव यहाँ पर जरूरी है सभी वर्ग के कैंडिडेट्स के लिए। पुरुषों की सभी वर्गों के लिए 4 घंटे में 25 किलोमीटर पैदल चलना है, जबकि महिलाओं को सभी वर्गों की महिलाओं को 14 किलोमीटर 4 घंटे में चलना होगा। यहाँ आयु सीमा जो रखी गई है 1 अगस्त दोनों 1 अगस्त 2024 के आधार पर दोनों ही एडवर्टाइजमेंट के लिए कम से कम 21 साल और अधिकतम जो होगी अनरिजर्व के लिए 35 साल है। EBC पुरुषों के लिए 37 साल, EBC और EWS वर्ग की महिलाओं के लिए 38 साल, SC ST पुरुष महिलाओं के लिए 35 साल माफ कीजिए 40 साल और EWS वर्ग के लिए 35 साल है। एक्स सर्विस मैन को 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा अधिकतम आयु सीमा में। यहाँ मुख्य परीक्षा जो होगी दोनों ही पदों के लिए प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य लिखित परीक्षा, शारीरिक पक्षता, साक्षात्कार, चिकित्सा परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। 5 चरणों में चयन प्रक्रिया को यहाँ पर पूरा किया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा जो होगी दोनों ही पदों के लिए
150 अंकों की होगी, 2 घंटे की यहाँ पर कुल अवधि होगी, 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ 30% अंक लाने अत्यंत जरूरी हैं सभी वर्ग के कैंडिडेट को, तभी उनके मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा में भारतीय इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर 20 प्रश्न होंगे, भारत और विश्व का भूगोल पर 20 प्रश्न होंगे, भारतीय राजव्यवस्था, भारत का संविधान 20 और भारतीय अर्थव्यवस्था पर 20 प्रश्न होंगे, झारखंड का इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, संस्कृति पर 23 प्रश्न होंगे, जबकि राज्य, देश, विश्व की महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाओं पर 20 प्रश्न और सामान्य विज्ञान पर 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों, ऐसे कैंडिडेट जो कि प्रारंभिक परीक्षा को पूर्ण कर लेंगे, सफल कर लेंगे, उनको मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। और असिस्टेंट फॉरेस्ट कंजर्वेटर के पदों के लिए सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी 50-50 अंकों के यहाँ पर प्रश्न होंगे, 100 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे 3 घंटे के समय में। ये क्वालिफाइंग नेचर का पेपर होगा, जबकि सामान्य अध्ययन में 2 प्रश्न पत्र होंगे, प्रश्न पत्र 1 और 2, यहाँ पर 200-200 अंकों के होंगे, 3-3 घंटे का समय दिया जाएगा। इसी तरह वैकल्पिक विषय फर्स्ट जो होगा, इसमें भी 2 प्रश्न पत्र होंगे, 200-200 अंकों के, 3 घंटे का समय मिलेगा। वैकल्पिक विषय 2 के अंतर्गत भी 2 प्रश्न पत्र होंगे, 200-200 अंकों के, 3-3 घंटे के। साक्षात्कार यहाँ पर 150 अंकों का होगा। टोटल जो पूरे मार्क्स होंगे, टोटल चयन प्रक्रिया के 1350 होंगे, जबकि वन क्षेत्र पदाधिकारी यानी फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर के पदों के लिए सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी 50-50 अंकों की, जैसा कि असिस्टेंट फॉरेस्ट कंजर्वेटर के पदों के लिए है, 3 घंटे का समय यहाँ पर है। सामान्य अध्ययन यहाँ पर केवल 1 प्रश्न पत्र होगा, 100 अंकों का, 2 घंटे का समय दिया जाएगा। वैकल्पिक विषय यहाँ पर एक ही होगा, जबकि कंजर्वेटर के पदों के लिए वैकल्पिक विषय 2 रखे गए हैं और हर वैकल्पिक विषय में 2-2 प्रश्न पत्र हैं। यहाँ केवल 1 वैकल्पिक विषय होगा और 2 प्रश्न पत्र होंगे, 200-200 अंकों के, 3-3 घंटे के समय के। साक्षात्कार यहाँ केवल 50 अंकों का ही होगा, जबकि असिस्टेंट फॉरेस्ट कंजर्वेटर के पदों के लिए 150 अंकों का साक्षात्कार है। यहाँ टोटल निर्धारित अंक है परीक्षा के 550। अब आप देखेंगे जो यहाँ पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, सामान्य अध्ययन, वैकल्पिक विषय और साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी। सामान्य हिंदी माध्यमिक स्तर और सामान्य अंग्रेजी माध्यमिक स्तर के 50 प्रश्न होंगे, 100-100 अंकों के। हिंदी के पाठ्यक्रम में निबंध 20 अंकों का होगा, संक्षेपण 10 का और व्याकरण 20 अंकों के प्रश्न होंगे। अंग्रेजी में एसे के 10 अंकों के, कॉम्प्रिहेंशन पर 20 अंकों के, ग्रामर पर 20 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर के पदों के लिए 2 प्रश्न जो पत्र होंगे वो ऐच्छिक विषयों पर आधारित होंगे। इनमें एक लिस्ट दी गई है, कृषि इंजीनियरिंग, पशुपालन, पशु चिकित्सा विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, रसायन शास्त्र, असैनिक अभियंत्रण यानी सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, वानिकी, भूगर्भ शास्त्र, गणित, भौतिकी, सांख्यिकी, जंतु विज्ञान, पर्यावरण में से 2 पेपर आपको सेलेक्ट करने हैं। 200-200 अंकों के ये प्रश्न पत्र होंगे। प्रारंभिक यहाँ जो न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं मुख्य परीक्षा और लिखित परीक्षा, सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी को छोड़कर, असिस्टेंट फॉरेस्ट कंजर्वेटर और फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर पदों के लिए अनारक्षित को 40% मार्क्स लाने होंगे, बीसी सेकंड कैंडिडेट को 36.5 और ईबीसी को 34%, एससी एसटी एवं महिला वर्ग के कैंडिडेटों को 32%, आदिम जनजाति के कैंडिडेट्स को 30%, ईडब्ल्यूएस वर्ग को 40% मार्क्स लाने होंगे, तभी उनको क्वालिफाई माना जाएगा और उन्हें नेक्स्ट स्टेज के एग्जाम जैसे शारीरिक दक्षता परीक्षा और इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट किया जाएगा। यहाँ जो परीक्षा शुल्क है, असिस्टेंट फॉरेस्ट कंजर्वेटर और फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर के पदों के लिए, दोनों ही पदों के लिए अनारक्षित, अत्यंत पिछड़े वर्ग और पिछड़े वर्ग के और ईडब्ल्यूएस वर्ग के कैंडिडेट को 600 रुपये फीस प्लस बैंक चार्ज। इसी तरह जो अन्य स्टेट के किसी भी कैटेगरी के
कैंडिडेट हैं उनको भी 600 रुपये प्लस बैंक चार्ज, और झारखंड के SC ST वर्ग के कैंडिडेट्स को 150 प्लस बैंक चार्ज फीस पेमेंट करनी होगी ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, भारत QR, UPI के माध्यम से। एक बार फीस पेमेंट हो जाने पर वो किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं होगी, नॉन रिफंडेबल होगी। आवेदन पत्र भरने के लिए आपको jpsc.gov.in पर ऑनलाइन अप्लाई सिस्टम के माध्यम से अप्लाई करना होगा। उसके लिए आपके पास में एक एक्टिव ईमेल आईडी मोबाइल नंबर होना अत्यंत आवश्यक है। तो अप्लाई करने के लिए झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर जाना होगा और यहाँ एक ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम वाला पेज ओपन होगा। क्लिक हेयर फॉर रिक्रूटमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर। यहाँ एडवर्टाइजमेंट जिसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं उस पर आपको क्लिक करना होगा। तो इस तरह से दोस्तों झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जारी किए गए असिस्टेंट फॉरेस्ट कंजर्वेटर और फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर के पदों के लिए आप ऑनलाइन मोड में 10 अगस्त 2024 से पहले पहले अपने एप्लीकेशन फॉर्म के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, फॉर्म को फिल कर सकते हैं और 11 अगस्त 2024 शाम 5 बजे से पहले पहले अपनी एप्लीकेशन फीस को सबमिट करा सकते हैं। तो उस अंतिम तिथि से पहले पहले ही अगर इन पदों से संबंधित आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया एज क्राइटेरिया को पूरा करते हैं तो ऑनलाइन मोड में आज ही अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कराने की कोशिश करें, अंतिम तिथि का इंतज़ार ना करें जिससे आपको कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो ऐसी ही आपसे हमारी रिक्वेस्ट है, वैसे सब कुछ आप पर डिपेंड है आप कब अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कराएंगे। तो वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार के साथ नई वीडियो में, एक नए विचार लिए हुए, नई जानकारी लिए हुए, नए रोजगार समाचार के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। दोस्तों चैनल छोड़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।